मैसेज सेंटर। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी में मैसेज सेंटर फीचर के बारे में जानेंगे। मैसेज सेंटर मेल मैसेंजर है सभी यूजर्स के लिए जो आपने कंपनी में क्रिएट किए हैं। मैसेज सेंटर के थ्रू आप सभी यूजर्स को विद इन अ कंपनी मेल सेंड या रिसीव कर सकते हैं। बेसिकली ये आपका पर्सनल या कंपनी का इंटरनल मेल मैसेंजर है जिसके थ्रू आप कंपनी के अंदर सभी यूजर्स को या किसी पर्टिकुलर यूजर को मेल सेंड या रिसीव कर सकते हैं। फीचर को एनेबल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शंस, एंटरप्राइज फीचर्स टैब में एनेबल मैसेज सेंटर ऑप्शन को एनेबल करें। सेव बटन प्रेस करें कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। यहाँ पे मैसेज सेंटर फीचर एनेबल करने से ये सभी यूजर्स के लिए एनेबल हो गया। यदि आप चाहें तो यूजर्स प्रोफाइल में जाकर यूजर को मॉडिफाई मोड में ओपन कर इस फीचर को डिसेबल भी कर सकते हैं किसी यूजर के लिए जिसके लिए कि आप ये फैसिलिटी नहीं रखना चाहते। देखिए यहाँ पर हमने एक नया यूजर क्रिएट किया और एनेबल मैसेज सेंटर ऑप्शन को नो कर दिया, यानी कि इस यूजर को मैसेज सेंटर की फैसिलिटी नहीं देनी। यहाँ पे एक चीज़ और नोट करिए कि शो मैसेज सेंटर एट स्टार्टअप का ऑप्शन है। यदि आप इस ऑप्शन को एनेबल करते हैं तो जब भी आप कंपनी में लॉगिन करते हैं आपको जो भी आपके न्यू मेल्स रिसीव हुई हैं उसका मैसेज आ जाएगा। मैसेज सेंटर को यूज़ करने के लिए यानी मेल सेंड या रिसीव करने के लिए यूटिलिटीज़ में मैसेज सेंटर ऑप्शन में जाइए। यहाँ पे सबसे पहले कंपोज मैसेज पे क्लिक करके नया मैसेज आप क्रिएट कर सकते हैं। मैसेज की हेडिंग दी, मैसेज आपने टाइप किया, यदि आप कुछ फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। रिसीव एक्नॉलेजमेंट मेल ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि आपको एक एक्नॉलेजमेंट मेल आ जाए जब यूज़र ने उस मेल को रीड कर लिया है। और यहाँ से आप यूज़र सिलेक्ट कर सकते हैं जिन जिन यूज़र्स को ये मेल सेंड करनी है। देखिए शाम यूज़र के आगे NA आ रहा है, यानी कि शाम यूज़र को मैसेज सेंटर के राइट्स नहीं है, आप उसे मेल सेंड नहीं कर सकते। बॉटम में एक ऑप्शन एड मेल एज नोट टू द रेसिपियंट आ रहा है। यदि आप इसे एनेबल करते हैं और नोट्स मैनेजर फीचर आप यूज़ कर रहे हैं अपनी कंपनी में तो यह मैसेज एक नोट की तरह सेव हो जाएगा रेसिपियंट के लिए और उसका डेडलाइन डेट और टाइम भी आप बता सकते हैं। अब हम किसी दूसरे यूज़र से इस कंपनी में लॉगिन करेंगे जिस यूज़र को कि आपने मेल सेंड करी है। हम यहाँ पर यूज़र करण के लिए लॉगिन करते हैं। देखिए लॉगिन करते ही स्टार्टअप पे ही मैसेज सेंटर का विंडो आ गया, यानी कि यूज़र को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि एक न्यू मैसेज जो है उसके मेल बॉक्स में है। यूज़र ने मैसेज रेड किया, इसके बाद यूज़र चाहे तो इस मैसेज को डिलीट कर सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है। बेसिकली वे सारी ऑप्शंस जो आपके मेल मैसेंजर में होती है, आउटलुक में या जीमेल में, वह तकरीबन सारी ऑप्शंस आपको मैसेज सेंटर में मिलेंगे। इसके अलावा आप सेटिंग्स सेट कर सकते हैं कि अलाउ ऑटोमेटिक मेल चेकिंग आपको एनेबल करना है या नहीं करना, मूव डिलीटेड मेल्स टू ट्रैश कि जो मेल्स आप डिलीट करते हैं वो परमानेंटली डिलीट होने के बजाय ट्रैश फोल्डर में चले जाएं। आप न्यू फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं ऐड फोल्डर बटन यूज़ करके अलग अलग मेल्स अलग अलग फोल्डर्स में रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक डायरेक्टर नाम से फोल्डर बनाया और यह मेल क्योंकि डायरेक्टर से आई थी तो इसे ड्रैग एंड ड्रॉप डायरेक्टली आप इस फोल्डर में कर सकते हैं। इससे आप इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स रख सकते हैं कि किस पर्सन से कौन कौन सी मेल्स आपको आई हैं। आप चाहें तो फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं या फिर टोटल समरी भी देख सकते हैं कि कितनी मेल्स आपको रिसीव हुई हैं या आपने सेंड करी हैं या डिलीट करी हैं। यहाँ पे देखिए यूज़र ने अगेन एक मेल कंपोज करी। यूज़र सेलेक्ट किया जिसे कि ये मेल सेंड करनी है। देखिए एडमिन को ये मेल सेंड करी और सेंड बटन क्लिक किया मेल को सेंड करने के लिए। अब जब यूज़र एडमिन कंपनी में लॉगिन करेगा तो स्टार्टअप पे ही उसको एक मैसेज दिखाई देगा। पेंडिंग मेल है, यानी कि टू पेंडिंग मेल्स यहाँ पे देखे हैं। एक तो एक्नॉलेजमेंट मेल है कि करण हैज़ रेड योर मैसेज एंड सेकेंड यूज़र करण ने जो मेल सेंड करी थी वो एडमिन यूज़र को दिखाई दे जाएगी। होप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप बिजी में मैसेज सेंटर का फीचर ईजिली यूज़ कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।